बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाजिया कंवल और आज जो है आप लोगों का जो वीकली टेस्ट है, सिलेबस जैसे आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया था कि वो वीकली टेस्ट जो है वो फाइलम मोलस्का से है, एनिलिडा से है और रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट इन एनिमल। तो ये आपको पहले से इन्फॉर्म किया था, इसकी सजेस्टेड जो बुक्स हैं रीडिंग के लिए वो भी आप लोगों से पहले से शेयर कर दी गई थी और आप लोग जो है वो रेडी हैं, कॉपी पेंसिल अगर आपके हाथ में है और तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। वही इसका जो है तरीकाकार है, मैं हर स्लाइड पे आप लोगों को टाइम दूंगी हर क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद जब स्लाइड ख़त्म होगी एक तो हम उसके जो है वो क्या करेंगे, आंसर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, सी हेयर, सी स्लग एंड सी बटरफ्लाइज, सी हेयर्स, सी स्लग्स एंड सी बटरफ्लाइज आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोपोड। ऑप्शन है प्रोसोब्रैंक्स, बी पे है ओफिस्टोब्रैंक्स, सी पे है पल्मोनेट्स और डी पे है पैलीसाइपोड, पैलीसाइपोडा। प्रोसोब्रैंक, ओफिस्टोब्रैंक, पल्मोनेट्स और पैलीसाइपोडा, ये आपने बताना है कि इनमें सी हेयर, सी स्लग और सी बटरफ्लाइज इनमें से कौन से ग्रुप में है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल लार्वल फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ गैस्ट्रोपोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल, टिपिकल और मेन लार्वल फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ गैस्ट्रोपोड। ए पे है ट्रोकोफोर, बी पे है वेलिगर, सी पे है गॉल्चिसीडियम, डी पे है मल्लर्स लार्वा। इसमें से जो टिपिकल है गैस्ट्रोपोडा का वो आपने बताना है कि क्या वो ट्रोकोफोर है, वेलिगर है, गॉल्चिसीडियम है या फिर मल्लर लार्वा है। क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, क्लास ए प्लेकोफोरा, क्लास ए प्लेकोफोरा इज आल्सो नॉन एज, ए पे है सोलेनोगैस्टर, बी पे है हस्कफुट, सी पे है टूथ शेल, डी पे है एनिलिड्स। क्लास ए प्लेकोफोरा इज आल्सो नोन एज सोलेनोगैस्टर, हस्कफुट, टूथ शेल या फिर एनिलिड्स। क्वेश्चन नंबर फोर, कटल फिश इज कॉमनली नॉन एज, कटल फिश इज कॉमनली नॉन एज, ए पे सीपिया, बी पे सी कोकम्बर, सी पे पैरल क्लैम्स, डी पे सिल्वर फिश। सीपिया, सी कोकम्बर, पैरल क्लैम्स या फिर सिल्वर फिश। आंसर इनके देखते हैं, सी हेयर, सी स्लग और सी बटरफ्लाइज गैस्ट्रोपोड के ओफिस्थोब्रैंक्स के ग्रुप में ये पाई जाती हैं, तो बी ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर वन का है वो ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल लार्वा फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ गैस्ट्रोपोड, तो गैस्ट्रोपोड में ट्रोकोफोर बनता है लेकिन बहुत कम में, तो टिपिकल जो इनका लार्वा है, जो मेन लार्वा है, जो डोमिनेंट लार्वा है, वो इनका वेलिगर है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर टू का, वेलिगर लार्वा।
और जो क्लास ए प्लेकोफोरा है उसको हम सोलेनोगैस्टर भी बोलते हैं, तो उसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। और कटल फिश जो है वो बहुत ही इजी था, यानी कि इसमें से कोई कंफ्यूजिंग बात ही नहीं थी। तो इसमें सीपिया को बोलते हैं, तो हो सकता है कि इसके ऑप्शन में सिफेलोपोड के मेंबर डाल दें, यानी सीपिया, स्लग, ऑक्टोपस, इनमें से कोई डाल दें, नॉटिलस डाल दें, तो तब भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कटल फिश किसको कहते हैं, सीपिया को कहते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन पल्मोनेट्स गैस्ट्रोपोड, इन पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड देर इज एन ओपनिंग कॉल्ड थ्रू विच लंग ओपन टू आउटसाइड। पल्मोनेट जो गैस्ट्रोपोड है उनकी वो ओपनिंग जहाँ से लंग जो है वो पड़े होते हैं और वो बाहर की तरफ ओपन होते हैं, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं। ए पे है न्यूमेटोस्टोम, बी पे है गैस्ट्रोस्टोम, सी पे है ये गैस्ट्रेकोस्टोम, और सी पे गैस्ट्रोस्टोम, और डी पे पल्मोस्टोम। ये बी पे गैस्ट्रेकोस्टोम होगा, बी पे गैस्ट्रेकोस्टोम और सी पे गैस्ट्रोस्टोम। स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है, बी पे गैस्ट्रेकोस्टोम, न्यूमेटोस्टोम, गैस्ट्रेकोस्टोम, गैस्ट्रोस्टोम या फिर पल्मोस्टोम। क्वेश्चन नंबर 6। वॉर्म लाइक मोस्ट प्रिमिटिव, वॉर्म लाइक मोस्ट प्रिमिटिव मैरीन ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन क्लास। जो वॉर्म लाइक मोस्ट प्रिमिटिव मैरीन ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी क्लास में पाए जाते हैं, ये आपने बताना है। ए पे है सिलानोगैस्टर, बी पे है मोनोप्लेकोफोरा, सी पे है कार्डोफोवेटा और डी पे है पॉलीप्लेकोफोरा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम गैस्ट्रोपोड द मेंटल इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोल्ड एक्सटेंशन। Mantle is in the form of rolled extension named as A pe shell, B pe sheath, C pe siphon, D pe ocelli। Shell hoga ya phir sheath ya phir kya siphon ya usko kya naam denge, ocelli, ye aapne batana hai। क्वेश्चन नंबर 8। मेंबर्स ऑफ द जीनस कोनस, मेंबर्स ऑफ द जीनस कोनस सेक्रीट पर्टिक्यूलर कोनोटॉक्सिन विच आर इन नेचर। मेंबर्स ऑफ द जीनस कोनस सेक्रीट पर्टिक्यूलर कोनोटॉक्सिन विच आर इन द नेचर। ए पे है टॉक्सिक पेप्टाइड्स, बी पे है टॉक्सिक पिगमेंट, सी पे केमिकल सिग्नल्स या डी पे टॉक्सिक लाइपिड या टॉक्सिक लिपिड्स। टॉक्सिक पेप्टाइड, टॉक्सिक पिगमेंट, केमिकल सिग्नल या फिर टॉक्सिक लिपिड्स। इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो था पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड में जो ओपनिंग है जहाँ पे लंग बाहर को खुलता है उसे न्यूमेटोस्टोम बोलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 का। और वर्म लाइक मोस्ट प्रिमिटिव मैरीन ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको बताया था कि ये कार्डोफोवेटा के मेंबर हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, सबसे पुराने और यानी कि वर्म लाइक बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म
तो ये मोलस्का के क्या होंगे? कार्डोफोवेटा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, गैस्ट्रोपोड में जो मेंटल रोल कर जाता है उसे हम साइफन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में भी बहुत इजी था साइफन को जो है वो जज करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सी ऑप्शन है साइफन, वो ठीक है। और मेंबर ऑफ द जीनस कोनस सेक्रीट पर्टिकुलर कोनोटॉक्सिन, तो वो टॉक्सिक पेप्टाइड नेचर के हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए ऑप्शन है वो क्या है? ठीक है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप इसके गौर से देखिएगा और इसके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का? कौन सी है जो फाइलम मोलस्का की क्लास नहीं है वो आपने बतानी है। ए पे है गैस्ट्रोपोडा, बी पे है स्कैफोपोडा, सी पे है डिकैपोडा, डिकापोडा, और डी पे है सिफेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, स्कैफोपोडा, डेकापोडा या फिर सिफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर लेयर ऑफ मोलस्क शेल इज, द आउटर लेयर ऑफ मोलस्क शेल इज कौन सी है? विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्चियोलन, विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्चियोलन। तो आपने वो बतानी है कौन सी लेयर है। ए पे है प्रिज्मेटिक लेयर, बी पे है नेक्रियस लेयर, या सी पे पेरियोस्ट्रेकम लेयर, या डी पे पेरेन्काइमा लेयर। क्वेश्चन नंबर 11, देर इज नो रेड्यूला एंड नो गिल्स इन द मेंबर ऑफ क्लास। कौन सी क्लास है जिसमें रेड्यूला और गिल्स दोनों ही नहीं है? क्या ए पे मोनोप्लेकोफोरा है, बी पे कार्डोफोवेटा है, सी पे सोलेनोगैस्टर है, या डी पे चिटर्न्स है? मोनोप्लेकोफोरा, कार्डोफोवेटा, सोलेनोगैस्टर या चिटन्स। क्वेश्चन नंबर 12, बुलिया एंड बुसियम आर स्क्वैमजर विच फीड ऑन डिकेइंग फ्लैश। बुलिया एंड बुसियम आर स्क्वैमजर, कौन से स्क्वैमजर हैं यानी कौन से मेंबर हैं विच फीड ऑन डिकेइंग फ्लैश? क्या बुलिया और बुसियम जो है, बुसियम वो स्नेल हैं, या बी पे बाइवेल्व हैं, या सी पे सिफेलोपोड्स हैं, या डी पे ये कटल फिश की टाइप है? आंसर देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का? तो डेकापोडा जो है वो उसकी क्लास नहीं है, बाकी सारी हैं। तो डेकापोडा जो है यानी सी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर लेयर ऑफ मोलस्क शेल इज विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्चियोलन, तो उसे पेरियोस्ट्रेकम बोलेंगे, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, नो रेड्यूला नो गिल्स, हमें पता है सोलेनोगैस्टर में है, तो इसका 11 का जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। बलिया एंड बसियम जो है वो स्नेल हैं और सेक्वेंजर हैं, स्नेल्स हैं, जो उनकी कॉमन जो है ये समझ लेंगे इनकी टाइप्स हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ठीक है। क्वेश्चन
जी अगला पार्ट देखते हैं, अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 13. सेक्सेस आर सेपरेट इन सिफेलोपोड. सेक्सेस आर सेपरेट इन सिफेलोपोड. वन आर्म ऑफ मेल इज कॉल्ड एज हेक्टोकोटिलस, यूज्ड टू प्लक फ्रॉम हिज ओन मेंटल कैविटी. किसको प्लक करती है? ए पे है एंथ्रीडिया, बी पे है स्पर्मेटोफोर, सी पे जाइगोस्पोर, डी पे माइक्रोस्पोर. क्वेश्चन नंबर 14 है, मच ऑफ मोलस्क एवोल्यूशन अकर अलोंग द शोर ओनली बाइवेल्व एंड मूव्ड इनटू ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर. यानी मोस्टली इनके मरीन वाटर में है, लेकिन बाइवेल्व और दूसरी कौन सी है क्लास या मेंबर जो ब्रैकिश या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं? ए पे है गैस्ट्रोपॉड, बी पे ऑयस्टर, सी पे क्लैम्स, डी पे मसल्स. ये आपने बताना है कि कौन से हैं जो क्लास जो इसमें पाई जाती है, ब्रैकिश में भी और फ्रेश वाटर में भी. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लेकिन पहले आप इसका जो है वो आंसर लगा लें, फिर 15 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द एक्सक्रीशन देयर आर वन और टू किडनी नेम्ड एज इन मोलस्क. फॉर द एक्सक्रीशन देयर आर वन और टू किडनीज नेम्ड एज इन मोलस्क. क्या वो ए पे प्रोटोनेफ्रीडिया है, बी पे मेटानेफ्रीडिया है, सी पे फ्लेम सेल है, या डी पे वो नेफ्रीडियोपोर्स हैं? जस्ट इनके आंसर देखते हैं. हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो स्पर्मेटोफोर जो है, मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स के पैकेट बना बना के वो अपने हेक्टोकोटिलस जो उनकी आर्म्स है उससे वो ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने ही अंदर या अपनी फीमेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो उन पैकेट्स को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोफोर कहेंगे. तो 13 का जो आंसर है वो बी है. और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो यहाँ पे इन्होंने बाइवेल्व कहा था और साथ गैस्ट्रोपोड जो क्लास है वो ब्रैकिश वाटर में या फ्रेश वाटर में रहते हैं. ऑयस्टर या क्लैम्स जो है ये अकेले फ्रेश वाटर के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास की बात हो रही थी तो गैस्ट्रोपोड आएगा. इसका ऑप्शन ए ठीक होगा. और क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक्सक्रीशन के लिए, चाहे वो मोलस्क हैं चाहे वो एनिलिड्स हैं, तो वो मेटानेफ्रीडिया रखते हैं. यानी 15 का बी ऑप्शन. अगर मोलस्क की जगह एनिलिड्स भी आया तो तब भी आप मेटानेफ्रीडिया कहेंगे. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. विद एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? सिलोम ऑफ मोस्ट एनिलिड इज फिल्ड विद फेलियर्ड विच प्रोवाइड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. तो विद एक्सेप्शन ऑफ, यानी कि कौन सा मेंबर है उसको छोड़ के, सिलोम ऑफ मोस्ट एनिलिड इज फिल्ड विद अ फेलियर्ड विच प्रोवाइड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. ए पे है जी लीच, बी पे है पॉलीकिड्स, सी पे है अर्थवर्म, डी पे है क्लाइटिलेटा. तो ये आपने बताना है कि वो कौन से हैं. क्या वो लीच हैं, पॉलीकीट हैं, अर्थवर्म हैं, या फिर वो क्लाइटिलेटा के मेंबर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंस ऑर्गन ऑफ पाइला. तो पहले तो आपने ये देखना है कि पाइला कौन सा है, कौन सा मेंबर है, किस में आएगा. तो उनका फिर सेंस ऑर्गन बताना है कि वो सेंस ऑर्गन कौन सा है. ए पे है ऑस्फ्रेडियम, बी पे है प्रोबोसिस, सी पे है ऑस्क्यूलम,
डी पे है स्पाइरेकल्स। क्वेश्चन नंबर 18, एमेजोनियन हिमेंटेरिया, एमेजोनियन हिमेंटेरिया इज अ, क्या ये जेंट अर्थवर्म है ए पे, बी पे जेंट लीच है, सी पे जेंट पॉलीकेट है या डी पे जेंट ट्यूब वर्म्स हैं? ये आपने बताना है कि एमेजोनियन हिमेंटेरिया क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉम्प्लेक्स फोटो सेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन, कॉम्प्लेक्स फोटो सेंसरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन, ये आपने बताना है ए पे गैस्ट्रोपोड, बी पे सिफेलोपोड, सी पे मसल्स, डी पे बाइवेल्व। गैस्ट्रोपोड, सिफेलोपोड, मसल्स या फिर बाइवेल्व। आंसर देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 16 में विद एक्सेप्शन ऑफ लीच, यानी लीच को छोड़ के बाकी सब में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ पाइला, तो वो ऑस्फ्रेडियम है, यानी बाकी तो ऑप्शन जो है वो सेंसरी ऑर्गन में आते ही नहीं है प्रोपोसिस, अगर आपको पाइला का पता ही नहीं है, लेकिन ये है कि उसका सेंसरी ऑर्गन देखना है तो फिर भी आप बता सकते हैं कि प्रोबोसिस, ऑस्क्यूलम या स्पाइरिकल ये सेंसरी ऑर्गन का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली क्या आएगा, ऑस्फ्रेडियम। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसके बड़े बेतुके से आंसर होते हैं, हमें अजीब से लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें से अगर थोड़ी सी सेंस हम यूज़ करें तो हम आंसर जो है बहुत आसानी से दे सकते हैं कि ये तीन जो है बी सी और डी तो उसमें आएंगे नहीं, तो डेफिनेटली हमें अगर ए का पता भी नहीं है तो हम उस पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमेजोनियन हिमेंटेरिया इज अ, तो इसका बी ऑप्शन है जेंट लीच है ये। और क्वेश्चन नंबर 19 जो बड़ी दफ़ा आया है, हाईली कॉम्प्लेक्स फोटोसेंसरी रिसेप्टर जो है वो सिफेलोपोड के होते हैं, तो जिसमें कटल फिश है, जिसमें जो है वो है ऑक्टोपस वगैरह हैं, स्लग है, तो उनके मेंबर में क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स जो है वो फोटोसेंसरी रिसेप्टर कंपाउंडाइज के तौर पर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मिडल प्रिज्मेटिक लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड प्रिज्म ऑफ, मिडल प्रिज्मेटिक लेयर इन मोलस्क इज कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड प्रिज्म ऑफ, ए पे है कैल्शियम फॉस्फेट, बी पे है कैल्शियम कार्बोनेट, सी पे है सोडियम फॉस्फेट और डी पे है नाइट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स अबंडेंट एंड वाइड स्प्रेड फैमिली ऑफ पॉलीकेट, कौन से हैं जो मोस्ट डाइवर्स हैं, हाईली अबंडेंट हैं, वाइड स्प्रेड हैं, कौन सी फैमिली है पॉलीकेट की, वो आपने बतानी है। ए पे फायर वर्म, बी पे ट्यूब वर्म, सी पे स्केल वर्म और डी पे नन ऑफ दीज। फायर वर्म, ट्यूब वर्म, स्केल वर्म या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ पॉलीकेट इज, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अ पॉलीकेट इज, ए पे प्रोस्टोमियम, बी पे पेरिस्टोमियम, सी पे प्रोटोनेफ्रिडियम या डी पे नन ऑफ दीज। प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, प्रोटोनेफ्रिडियम
या फिर none of these. Question number 23. In leech, gas exchange occur through skin, except which have gills. तमाम लीच में जो गैस एक्सचेंज है इनकी बॉडी वाल से इनकी स्किन से हो जाती है, लेकिन कौन सी है जो गिल्स रखते हैं? ए पे मेडिसिनल लीच, बी पे फिश लीच, सी पे ब्लड सकर्स या डी पे क्लाइंबिंग लीच. तो वो आपने बताना है कि वो कौन सी लीच है. मेडिसिनल लीच है, फिश लीच है, ब्लड सकर्स है या फिर क्लाइंबिंग लीच है. आंसर इनके देखते हैं. मिडल प्रिज्मेटिक लेयर जो है इसमें शेल में ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है. तो 20 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है सेकंड वाला वो ठीक है. और 21 पे पॉलीकीट के सबसे डाइवर्स जो मेंबर हैं वो स्केल वॉर्म हैं, और यानी कि डाइवर्स भी हैं, अबंडेंट भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होते. ये बहुत ज़्यादा मूव करने वाले, बहुत ज़्यादा सोशल किस्म के हैं स्केल वॉर्म्स. तो इसका सी ऑप्शन ठीक है. और 22 जो द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ द पॉलीकीट प्रोस्टोमियम है, ए वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है. और लीच में कौन सी है जो गिल्स रखती है? फिश लीच, ये पहले बी आया हुआ है. तो फिश लीच जो है बी ऑप्शन जो है 23 का वो ठीक है. नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर है हमारा 24. बहुत इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज फाइलम एनिलिडा. कौन सा है करेक्टर जो फाइलम एनिलिडा का नहीं है? ए पे है बायलेटरल सिमेट्री, बी पे मेटानेफ्रिडिया, सी पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और डी पे पेयर्ड सीटी. बायलेटरल सिमेट्री, मेटानेफ्रिडिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर डी पे पेयर्ड सीटी. क्वेश्चन नंबर 25. इन अर्थवॉर्म the exonephric excretion take place by, exonephric excretion take place by earthworm में A पे septal nephridia, B पे pharyngeal nephridia, C पे integumentary nephridia या D पे both B and C. exonephric जो secretion है वो किससे होती है? क्या वो septal nephridia से, pharyngeal nephridia से, integumentary nephridia से या बोथ बी एंड सी? क्वेश्चन नंबर 26. एनस इज इन सेगमेंटेड वर्म. एनस इन सेगमेंटेड वर्म इज लोकेटेड इन कौन से सेगमेंट में ये लोकेट करता है? सेगमेंटेड वर्म में एनस जो है वो आपने बताना है. ए पे प्रोस्टोमियम, बी पे पेजीडियम, सी पे पेरिस्टोमियम या डी पे नन ऑफ दीज. प्रोस्टोमियम, पेजीडियम, पेरिस्टोमियम या फिर नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 27. आर विच आर स्ट्रक्चर्स
टिपिकली फाउंड इन एवरी सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म, हर सेगमेंट में वो आपको मिलेगी, वो कौन सी स्ट्रक्चर है? क्या ए पे वो गैंगलिया है, बी पे लेटरल हार्ट्स हैं, सी पे सेप्टल नेफ्रीडिया है, या डी पे जिरूटल डक्ट है? गैंगलिया, लेटरल हार्ट, सेप्टल नेफ्रीडिया या जिरूटल या गेरूटल डक्ट, तो ये आपने बताना है कि वो कौन सी है जो हर सेगमेंट के अंदर उसका जो है वो स्ट्रक्चर पाई जाती है। आंसर देखते हैं इनके, 24 का बहुत इजी था, तमाम करेक्टर हैं, बायलेटरल सिमेट्री, मेटानेफ्रीडिया, पेयर्ड सिटी, लेकिन इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो ये फाइलम जो एनिलिडा है इनमें क्लोज्ड है, ओपन नहीं होगा, तो ये सी ऑप्शन इनका जो है वो ठीक है 24 का। और 25 का, इन अर्थवर्म द एक्सोनेफ्रिक एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय इंटेग्योमेंट्री नेफ्रीडिया, इनसे ये होगा, इंटेग्योमेंट में जो है वो एक्सोनेफ्रिक सेक्रीशन करेंगे। और 26 जो एनस, जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है बॉडी का मोलस्क में, वो पेजीडियम है, 26 का बी ऑप्शन ठीक है। और 27 में जो गैंगलिया हैं वो टिपिकली हर सेगमेंट के अंदर जो है हर सेगमेंट का अपना अपना गैंगलिया होगा, तो 27 का जो है ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं, 28 जो है, मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लेड ऑफ एनिलिडीज, मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड क्लेड ऑफ एनिलिड इज, द फर्स्ट स्पेसिमन वाज डिस्कवर्ड इन 1900 फ्रॉम डीप सी ऑफ इंडोनेशिया। तो वो कौन सा है क्लेड जो डिस्कवर्ड हुआ रिसेंटली? ए पे है साइबोग्लिनाइडी, बी पे है लोफोट्रोकोजोआ, सी पे है निमर्टियंस और डी पे है ओलिगोकीट। तो आपने बताना है वो कौन सा है, साइबोग्लिनाइडी, लोफोट्रोकोजोन, सी पे निमर्टियंस और डी पे ओलिगोकीट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माउथिन, तो कौन से मेंबर हैं जिनमें छोटी सी प्रोबोसिस भी होती है? ए पे इकाई यूरा, बी पे है साइपनक्यूला, सी पे है हायरुडिनिया या डी पे क्लाइटीलेटा। तो ये आपने बताना है कि किन में प्रोबोसिस है। क्वेश्चन नंबर 30, फिक्स्ड बॉडी सेगमेंटेशन सीन इन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बॉडी के सेगमेंटेशन है वो हर मेंबर में इस स्पीशी के जो है वो फिक्स्ड होते हैं, तो वो आपने बताना है वो किन के हैं। ए में आएगा अर्थवर्म, बी में नेरीज, सी पे स्टाइलेरिया और डी पे लीच, तो वो आपने बताना है वो कौन से मेंबर हैं, अर्थवर्म, नेरीज, स्टाइलेरिया या फिर लीच। आंसर देखते हैं इनके। अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी लग रही है कि मोस्ट रिसेंट डिस्कवर्ड क्लेड ऑफ एनिलिड, अगर आपने नहीं पढ़े हुए, यानी इस तरह की बहुत डेप्थ में बातें हम पढ़ते भी नहीं है, तो 1900 में वो कौन से हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एनिलिड्स में आते कौन से हैं, तो तब हम आसानी से कह सकते हैं। अब देखिए, लोफोट्रोकोजोआ जो है वो इनका है ही नहीं, वो हमें राउंड वर्म में वो लोफोट्रोकोजोन मिलते हैं, नेमर्टिया जो है वो भी इसमें नहीं आएगा, वो भी आपको पता है कि प्लेटी हेलमेंथीस फ्लैट वर्म में हमने ये पढ़े थे,
ओलिगोकीट जो है वो माना कि वो एनिलिड्स हैं, लेकिन ओलिगोकीट जो है ये बहुत पहले के हैं, तो फिर डेफिनेटली पीछे बचता कौन सा है, वो साइबोग्लाइनाइडी। तो इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं और आप यानी कि उसमें हम स्टेटमेंट पढ़ के ही हम उस क्वेश्चन को ना छोड़ें, हमें उनके आंसर से ही पता चल जाएगा कि हमने नहीं भी पढ़ा तो हम बता सकते हैं। तो जैसे आप, मैंने ये बिल्कुल नहीं पहले पढ़ा हुआ था और लेकिन इसके फौरन पता चल जाता है कि ये मेंबर जो हैं ये तो हैं ही नहीं एनिलिड्स के, तो डेफिनेटली क्या है फिर, साइबोग्लाइनाइडी है। इसी तरह प्रोबोसिस जो है वो किन में है, हमें पता है हायरोडिनिया में भी नहीं है, क्लाइटिलेटा में भी नहीं है, स्पंक्यूला ये जो है वैसे इसका मेंबर नहीं है, तो यानी कानोड उसमें एनिलिड्स का पूछा जा रहा है तो काइयूरा फिर होगा, तो फिर ये आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते तो उनका ऑप्शन जो है वो आसानी से हम देख सकते हैं कि कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 30, फिक्स्ड जो बॉडी सेगमेंटेशन है वो 34 के करीब होती है और वो लीच के अंदर है, तो लीच में बॉडी की सेगमेंटेशन फिक्स्ड है, बाकी एनिलिड्स में इवन इसके एनुलाई जो हैं इसके अंदर वो भी फिक्स्ड होते हैं, हर सेगमेंट में 5 एनुलाई होते हैं और सेगमेंट की टोटल जो तादाद है वो 34 होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो लीच ठीक है, यानी डी जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ठीक है। अगले पार्ट को देखते हैं और उसमें रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन हैं। पहले मिक्सचर होता था, आप सेपरेट किए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मेरे ख्याल कोई एक आध छोड़ के आगे रिप्रोडक्शन आएगी, हाँ 31 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 31 है, ड्यूरिंग मूवमेंट इन सी एनिमोन्स, बल्कि ये उसी में रिप्रोडक्शन में है, ड्यूरिंग मूवमेंट इन सी एनिमोन्स स्मॉल पीसीज ब्रेक ऑफ फ्रॉम द एडल्ट एंड डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स द प्रोसेस इज। ड्यूरिंग द मूवमेंट इन सी एनिमोन स्मॉल पीसीज ब्रेक ऑफ फ्रॉम द एडल्ट एंड डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए पे जो है फिशन, बी पे फ्रेगमेंटेशन, सी पे बडिंग, डी पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच फेवरेबल फॉर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच फेवरेबल फॉर ए टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, बी अनस्टेबल इन्वायरमेंट, सी स्टेबल इन्वायरमेंट या डी स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट। तो आपने वो बताना है कि कौन से इन्वायरमेंट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच फेवरेबल है। क्वेश्चन नंबर 33, द एवोल्यूशन ऑफ शेल्ड एग एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, द एवोल्यूशन ऑफ शेल्ड एग एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो ये डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन है, उसमें से रिप्रोडक्शन में भी, डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट की। तो ए में फिशेज, बी में एम्फीबियंस, सी पे रेप्टाइल्स या डी पे बर्ड्स। तो आपने बताना है कि फर्स्ट शेल्ड एग और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सबसे पहले किस में पाई गई, फिशेज में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में या बर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 34, most of the birds show internal fertilization, the male migrate their sperm into या against, किसमें करता है male migrate sperm। A पे है special projection, B penis, C पे cloaca या D पे urethra। A पे special projection, B पे penis, C पे cloaca या D पे urethra। इस स्लाइड के चारों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आंसर देखते हैं। अच्छा ये सी एनिमोन में पूछा गया है कि स्मॉल पीसीज जो है वो ब्रेक करते हैं और उनसे जो है न्यू इंडिविजुअल बनता है, तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। लेकिन अगर कहीं पे बोथ ए सी या बोथ बी सी लिखा होता तो तब आप लगाते। ये डेप्थ में पूछा गया है कि एसेक्सुअल में फिर कौन सा है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आएगा, क्योंकि फिशन भी एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल है, बडिंग भी एसेक्सुअल है। हाँ किसी ऑप्शन में लिखा होता बोथ बी एंड डी तो फिर वो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल में पूछा है कौन सा है, तो ये फ्रेगमेंटेशन आएगा, ना ये बडिंग आएगा ना ये फिशन आएगा, बल्कि क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। और जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी दिया हो, एसेक्सुअल भी दिया हो और ऑप्शन में दिया हो कि बोथ, तो तब आप बोथ पे लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसीलिए ये कोड किया है। ऐसे भी होते हैं जो हम कह रहे होते हैं कि ये तो दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन उसकी डेप्थ फिर बतानी है कि उसमें से कौन सा सही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं। और 32 जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच फेवरेबल फॉर, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें पता है स्टेबल इन्वायरमेंट में फेवरेबल है, तो इसका जो है वो आंसर जो है वो सी ठीक है, स्टेबल इन्वायरमेंट। और ये एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, 33 द एवोल्यूशन ऑफ शेल्ड एग एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, जब मैं डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी तो तब आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी, बल्कि सर ने भी आपको करवाया होगा, सर अदनान ने, एनएम्नियोट्स और एम्नियोट। तो एनएम्नियोट्स जो है वो फिशिज और एम्फीबियन है, इनमें कोई शेल्ड एग नहीं बनता और ना कोई एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर बनती हैं, इनको एनएम्नियोट्स बोलते हैं। और रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल जो हैं इनको एम्नियोट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात फर्स्ट की हो रही है तो वो फिर जाहिर है रेप्टाइल होगा, क्योंकि हमें पता है रेप्टाइल से ही बर्ड निकले हैं और रेप्टाइल से ही मैमल निकले हैं। बहुत डिटेल से, बहुत डेप्थ में ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बड़े अच्छे आपके पॉइंट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, रेप्टाइल आएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एम्नियोट है जो शेल्ड एग रखता था, और इसमें और ये टेरिस्ट्रियल है, ये रिप्रोडक्शन के लिए इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, वाटर में ये नहीं जाता, तो ये जब भी रिप्रोडक्शन करनी है इसने बाहर करनी है, क्योंकि इसके पास एक शेल्ड एग भी है, एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर भी है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी क्या है वो ठीक है। और बर्ड अपनी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी का वेट लाइट रखना है, तो उसके लिए उनको क्लोएका को ही मॉडिफाई करके वो कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पर यूज़ करते हैं और उसी से ही वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन इस स्लाइड के मज़े के थे, आसान थे, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इसके ऑप्शन जो है वो जो सही होंगे उस पर आपने टिक मार्क किया होगा। हमारी अगली स्लाइड है, अगला पार्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। वॉल्फियन डक्ट इज आल्सो नोन एज, वॉल्फियन डक्ट इज आल्सो नोन एज, ए पे है मीजोनेफ्रिक डक्ट, बी पे है इजाक्यूलेटरी डक्ट, सी पे है मेजर सबलिंगुअल डक्ट और डी पे है सिस्टिक डक्ट। तो ये आपने बतानी है कि वॉल्फियन डक्ट है क्या और उसको क्या बोलते हैं, क्या वो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इजाक्यूलेटरी डक्ट है, मेजर सबलिंगुअल डक्ट है या सिस्टिक डक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, द इंटेस्टाइन मे प्रोट्रूड डाउनवर्ड इनटू द सेक्रोटम इन द फॉर्म ऑफ, द इंटेस्टाइन मे प्रोट्रूड डाउनवर्ड इनटू द सेक्रोटम इन द फॉर्म ऑफ ए अपेंडिक्स, B lingual hernia, lingual hernia, C पे curved intestine या D पे none of the above given option। क्वेश्चन नंबर 37 है, एम्प्यूला इज अ स्ट्रक्चर वेयर, एम्प्यूला इन मेल इज अ स्ट्रक्चर वेयर, ए पे स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, मेल नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्यूला इज द स्ट्रक्चर वेयर स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, बी पे स्पर्म आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी पे स्पर्म आर स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम
या डी पे बोथ बी एंड सी? आंसर देखते हैं इनके। 35 का वोल्फियन डक्ट को हम मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। और इंटेस्टाइन जो है मे प्रोट्रूड डाउनवर्ड इनटू द सेक्रोटम इज द इंगुअल हर्निया, इसका क्योंकि वो अपेंडिक्स तो नहीं है, अपेंडिक्स तो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो वो इसको ना तो कर्व्ड इंटेस्टाइन ना बोलेंगे, तो ये इंगुअल हर्निया आएगा। और एम्प्यूला जो है वहाँ पर स्पर्म जो है काफ़ी देर के लिए स्टोर किए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, 37 का स्पर्म आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगली स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक्रोसोम इज फिल्ड विद, इंतहा इजी, एक्रोसोम इज फिल्ड विद ए पे लाइपर्ड्स, बी पे हार्मोन्स, सी पे डाइजेस्टिव एंजाइम या डी पे नन ऑफ दीज? लाइपर्ड्स, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 39 है जी, द एक्चुअल सेंटर ऑफ ओओजेनेसिस, ओओजेनेसिस का जो एक्चुअल सेंटर है वो कौन सा है? ए पे है ओवल वाल, बी पे है फॉलिकल्स, सी पे है ओविडक्ट या डी पे एंडोमेट्रियम? क्वेश्चन नंबर 40, द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज, द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज, ए पे है हाइपोथैलेमस, बी पे पिट्यूटरी ग्लैंड, सी पे मिड ब्रेन या डी पे ओवरी? क्वेश्चन नंबर 41, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, गौर से देखिएगा, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन ए पे है एक्टिवेशन ऑफ FSH प्रोडक्शन, एक्टिवेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोडक्शन, बी पे इनहिबिशन ऑफ FSH प्रोडक्शन, सी पे प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम या डी पे बोथ बी एंड सी? बोथ बी एंड सी, एक्टिवेशन ऑफ FSH प्रोडक्शन, inhibition of FSH production, proliferation of endometrium, डी पे both B and C? आंसर देखते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 38 में एक्रोसोम इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, तो जाहिर है वो डाइजेशन करेगा फिर ही जो है वो इनकी फर्टिलाइजेशन हो सकेगी, तो एक्रोसोम की कैप के अंदर जो है यानी स्पर्म की जो कैप है एक्रोसोम उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे 38 पे। और 39 द एक्चुअल सेंटर ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस का पूरा प्रोसेस फॉलिकल में होता है, तो फॉलिकल्स ही हैं जहाँ पे ओजेनेसिस जो है वो होती है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो कंट्रोलिंग सेंटर है ओवुलेशन का या मेंस्ट्रुएशन का वो हाइपोथैलेमस है, तो वो इसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को भी कंट्रोल करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता है कि वो FSH और LH प्रोड्यूस करवाएगा जो ओवुलेशन के प्रोसेस में या मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट में वो रोल प्ले करेगा, तो इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। 40 का ऑप्शन ए ठीक है। और एस्ट्रोजन का फंक्शन है, जब एस्ट्रोजन निकलता है तो FSH की इनहिबिशन हो जाती है, और एस्ट्रोजन साथ ही एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाता है,
और प्रोजेस्ट्रॉन उसकी ज़्यादा प्रोलीफ्रेशन करवाएगा क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन 50 गुना जो है वो एस्ट्रोजन से ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये नहीं है कि एस्ट्रोजन प्रोलीफ्रेशन एंडोमेट्रियम की नहीं करवाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन बाद में निकलेगा, एस्ट्रोजन पहले निकलेगा और एस्ट्रोजन प्रोलीफ्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करवाएगा और साथ ही इनहिबिशन करवाएगा FSH की। तो इसका ऑप्शन जो है डी, बोथ बी एंड सी, ये ऑप्शन ठीक है एस्ट्रोजन का लास्ट का ऑप्शन। अगली स्लाइड, अगला पार्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42, जायगोट आफ्टर सेवरल क्लीवेज बिकम्स अ सॉलिड बॉल नॉन एस। जायगोट आफ्टर सेवरल क्लीवेज बिकम्स अ सॉलिड बॉल नॉन एस, ए पे मरूला, बी पे ब्लास्टुला, सी पे ब्लास्टोसिस्ट या डी पे नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दैट इन्वेड द एंडोमेट्रियम, ब्लास्टोसिस्ट के सेल जब वो एंडोमेट्रियम को इन्वेड कर रहे होते हैं यूट्रस में, तो वो क्या कहलाते हैं तब, ए होलोब्लास्ट, बी पे ट्रोफोब्लास्ट, सी पे पेरिफेरल सेल या डी पे एक्टोब्लास्ट। होलोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, पेरिफेरल सेल या एक्टोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इम्पॉर्टेंट, एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज इवॉल्व्ड फ्रॉम। प्लेसेंटा कहाँ से निकलता है, ए पे एमनियन एंड योक सैक, बी पे कॉरियन एंड एलेंट्रॉइस, सी पे योक सैक एंड कॉरियन, डी पे एलेंट्रॉइस एंड एमनियन। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट एक्सक्रीटा ऑफ न्यू बॉर्न इज, ए पे है क्लोस्ट्रम, बी पे है मिकोनियम, सी पे प्रोलैक्टिन, डी पे नन ऑफ द अबव ऑप्शन या नन ऑफ दीज। क्लोस्ट्रम, मिकोनियम, प्रोलैक्टिन या नन ऑफ दीज। आंसर देखते हैं, जब भी क्लीवेज कंप्लीट होती है तो जो बॉल बनती है उसे हम मरूला ही कहेंगे, उसके बाद ब्लास्टुला आएगा, तो मरूला बहुत आसान ऑप्शन था, ए ऑप्शन। और सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जब उसमें यूट्रस के एंडोमेट्रियम से लगते हैं तो तब हम उन्हें ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है 43 क्वेश्चन का। और एम्ब्रियोनिक पार्ट जो है प्लेसेंटा का वो कॉरियन और एलेंट्रॉइस से बनता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है कॉरियन एंड एलेंट्रॉइस। और 45 का ना भी आता हो तब भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एक्सक्रीटा ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, क्योंकि क्लोस्ट्रम जो है वो मदर का फर्स्ट मिल्क है जो निकलता है, प्रोलैक्टिन जो है वैसे हार्मोन है, तीसरा नन ऑफ दीज है, तो पीछे बचता ही मेकोनियम है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा, मेकोनियम इज अ फर्स्ट एक्सक्रीटा फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी। अगली स्लाइड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फर्टिलाइजेशन अकर इन पार्ट ऑफ ओविडक्ट, कौन से पार्ट में होती है फर्टिलाइजेशन फीमेल में, ए पे है एम्प्यूला, बी पे है ओवरी, सी पे ब्लास्टोसिस्ट, डी पे इनिशियल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। ए पे एम्प्यूला, बी पे ओवरी, सी पे ब्लास्टोसिस्ट, डी पे इनिशियल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 47, एंडोमेट्रियम मेंटेन्स द इंटरनल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द स्टिमुलस ऑफ, एंडोमेट्रियम मेंटेन द इंटरनल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
अंडर द स्टिमुलस ऑफ, क्या ए पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, बी पे प्रोजेस्ट्रॉन, सी पे प्रोलैक्टिन या डी पे ऑक्सीटोसिन? क्वेश्चन नंबर 48 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फंक्शनल सिस्टम इन मैमिलियन फीटस? मैमिलियन फीटस में पहला सिस्टम जो होगा वो फंक्शनल होगा, बनेगा, कौन सा है? ए पे डाइजेस्टिव सिस्टम, बी पे CNS, सी पे सर्कुलेटरी सिस्टम, डी पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आंसर देखते हैं। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्प्यूला रीजन में होती है, तो इसका जी एम्प्यूला रीजन ठीक है। और जो 47 है, एंडोमेट्रियम मेंटेनिंग द इंटरनल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या यहाँ पर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी आ जाएगा, तो उसको हम प्रोजेस्ट्रॉन कहेंगे। प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है या बर्थ काजिंग हार्मोन है, LH जो है वो स्टार्ट का प्रोसेस करवाता है, मेंस्ट्रुएशन का, ओवुलेशन का प्रोसेस करवाता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि विच इज़ द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, अगर इसका लेवल कम हो जाए, अबॉर्शन हो जाता है, तो वो कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन। और जो ही बर्थ का प्रोसेस होने लगता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब। तो 48 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फंक्शनल सिस्टम इन मैमिलियन फिटस, ज़ाहिर है उसमें हार्ट सबसे पहले बनेगा, तो फिर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ही जो है वो सबसे पहले बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसका 48 का सी ऑप्शन ठीक है। लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 49, जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन ऑफ एग इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, जोना पेल्यूसिडा में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ए पे है ग्लाइकोलिपिड्स, बी पे है ग्लाइकोप्रोटीन, सी पे है कोलेस्ट्रॉल, डी पे है पॉलीसेकेराइड्स। तो ये आपने बताना है। और क्वेश्चन नंबर 50, द नैरो पोर्शन दैट कनेक्ट यूट्रस टू वजाइना, the narrow portion that connect uterus to vagina is A pe fallopian tubes, B pe cervix, C pe clitoris, D pe uterine tube। पहले आपने बताना है zona pellucida की membrane कौन से molecule में होती है, तो 49 का glycolipid है, glycoprotein है, cholesterol है या polysaccharide। और question number 50, the narrow portion that connect uterus to vagina is A pe fallopian tube, B pe cervix, सी पे क्लाइटोरस और डी पे यूट्राइन ट्यूब। क्वेश्चन इनके आंसर देखते हैं। 49 में जो है ग्लाइकोप्रोटीन है इसका, 49 का बी ऑप्शन ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 50 में जो है वो सर्विक्स होती है, तो 50 का जो बी ऑप्शन है सर्विक्स वो ठीक है, क्योंकि नैरो पोर्शन है जो कनेक्ट कर रहा है यूट्रस को वेजाइना के साथ, तो वो सर्विक्स होगा। तो क्वेश्चन आपने अपने देख लें आपके ठीक कितने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था, रिप्रोडक्शन का पोर्शन बहुत आसान था, बहुत इम्पोर्टेंट था, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ऑप्शन डले हुए थे। और आपने चेक कर लें आपके कितने ठीक हैं, हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपने इम्प्रूव किया है तो इससे भी ज़्यादा जो है इम्प्रूव करें, हमारे साथ रहें, और इसी तरह आपके लेक्चर होते रहेंगे, आप लोगों के टेस्ट जो है वो कंटिन्यू होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।